हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है एनीमिया। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, इसके कॉज क्या हो सकते हैं और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, एनीमिया कोई डिजीज़ नहीं है, ये खुद ही एक सिम्टम है। एनीमिया होने का रीज़न है कि आपकी बॉडी में कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है या फिर आपको कोई डिजीज़ होने वाली है या फिर हो चुकी है। एनीमिया का मतलब है अगर आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी होने लग जाए, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होने लग जाए, तो उसी कंडीशन को हम लोग एनीमिया कहते हैं। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को एनीमिया होने का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है हेमरेज। हेमरेज का मतलब है आपकी बॉडी से ब्लड लॉस होने लग जाना। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हुई है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप एनीमिक हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स को मेंसेस के टाइम में एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसके वजह से फीमेल्स को एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ गैस्ट्रिक डिजीज़ के वजह से भी आपको बॉडी में एनीमिया हो सकता है, जैसे कि अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो चुका है तो आपको एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज़ है तब भी आपको एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में वॉर्म्स है, आपके पेट में कीड़े हैं, तो आपको एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है कि अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है तब आपको खून की कमी हो सकती है, आपको एनीमिया हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी होने का मेन रीज़न प्रेगनेंसी के टाइम में हो सकता है। इसके अलावा अगर लैक्टेशन है उस कंडीशन में भी आपको एनीमिया हो सकता है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपके बॉडी से ब्लड लॉस हुआ है, कोई किसी भी तरीके का हेमरेज है, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। एनीमिया होने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है अगर आपकी बॉडी में किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तब भी आपको एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको पर्निशियस एनीमिया की कंप्लेन है तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अगर कोई पर्सन थैलेसीमिया से सफ़र कर रहा है तब भी उसके बॉडी में एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में खून की कमी है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे। तो फर्स्ट साइन यही है कि आपकी जो स्किन है वो पेल होने लग जाएगी, येलोइश होने लग जाएगी। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा वीकनेस और एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, फटीक फील कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हेडेक हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, आपको माउथ में सॉरनेस फील हो सकती है। इसके अलावा कई सारे लोगों को ब्रीदिंग कंप्लेन हो सकती है, हो सकता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो या फिर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन होने लग जाए। इसके अलावा आपको पैल्पिटेशन हो सकता है, आपको जॉइंटिस की कंप्लेन हो सकती है। कई सारे लोगों को गैस्ट्रिक सिम्टम आने लग जाते हैं, जैसे कि उन्हें डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। कई बार खून की कमी होने से आपको नमनेस फील हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन आ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप एनीमिया जैसी कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फेरम मेट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं 30 potency में। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके बॉडी में खून की कमी हो रही है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। मेंसेस के टाइम आप फेरम मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलेट्रिस फेरिनोसा 30 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन भी बॉडी में हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। इसके अलावा पिक्रिक एसिड 30 या फिर आप फेरम फोर्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन एनीमिया को क्योर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, ये था एनीमिया। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।